सगे माँ बाप औलाद को कहते हैं कि यार है मेरी गल मान ले, पढ़िया कर मेरा पुत्र, पढ़िया कर, सोने जैसी गल है, कहते मैं नहीं पढ़ता, क्योंकि माँ बाप बुरी फीलिंग्स देते हैं, अनजाने में बुरी फीलिंग्स देते हैं, मलकियत में बुरी फीलिंग्स देते हैं, और वो समझते हैं कि हम इनके मालिक हैं बच्चों के, और उनको कभी कभी बहुत बुरी बातें कहते हैं, तेरे नालों तो मैं वट्टा जम लेंदी थे चंगा सी, या कोई ऐसी नफीस बात ढूंढ के लाएंगी खवातीन और हजरात, कोई ऐसी बात करेंगे जो कि दिल में बैठ जाती है, तो वो फिर बात नहीं मानते, स्कूल टीचर की बात नहीं मानते, बहुत मुश्किल होता है बात मनवाना। आप चाहते हैं तो फिर आपको एहतियात करनी होगी फ्रॉम द डे वन के बैड फीलिंग्स देने से परहेज़ करें नंबर वन, गुड फीलिंग देने की कोशिश करें नंबर टू। तो उससे ताल्लुक बनता है, बात मानने का रुझान पैदा होता है तालमेल के बाद, और उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। और हम भी रोज़ सुबह 10 बजे एक मीटिंग करते हैं जिसमें डायरेक्टर्स मीटिंग होती है जूम पे, और हम रोज़ाना ये बात करते हैं कि किस तरह हम बात करें कि इलाज भी जेपरडाइज ना हो और हम बुरी फीलिंग में ना दें। तो अभी हमें इसमें कोई खातरखा कामयाबी नहीं मिल रही है, लेकिन जब आपको एहसास हो जाता है कि ये आपकी ज़रूरत है कि इलाज भी ख़राब ना हो और आप गुड फीलिंग्स भी दे दें, क्योंकि अगर हम अपने मरीजों को कहें हाँ जी है कोई गुड फीलिंग वाला, वो कहेगा जी मैंने तो चर्स मंगा दो या मैंने तो फलानी चीज़ मंगा दो, तो फिर मसला हो जाएगा हमारे लिए। तो हमें बड़ा मुश्किलात हैं इस मामले में कि जब हम आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं और हम आपको कहते हैं कि नहीं, तो हमें नहीं कहना तो आ जाना चाहिए, इट्स अ वेरी सिंपल वर्ड, इट इज़ ए कम्प्लीट सेंटेंस कि नहीं, और नहीं कहते ही हमारे सारे असाब खिंच जाते हैं, बागड़ बिल्ला या चेहरा बन जाता है नहीं। तो नहीं ऐसे कहना कि अगला बंदा कि एक बारी फिर को हो सकता है ना, ऐसा कोई इतने प्यारे तरीके से कोई नहीं कहे कि पेशेंट कहे कि मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा आप फिर कहें। लेकिन मैं इस बात का तजर्बा आपको बताता हूँ, कई दफ़ा मैंने मरीजों की बातें नहीं मानी, फिर भी वो खुश गए, फिर भी वो जाते हुए कहते थैंक यू। ये एक बहुत अच्छी बात है कि नशे का जो मरीज़ है वो डील तोड़ना नहीं चाहता, डील बनाना चाहता है, वो सिर्फ इज्जत चाहता है जो उसका वो प्यासा होता है जो उसको नहीं मिलती, क्योंकि ये हिस्टोरिकली बदनाम बीमारी है, और जिसके ऊपर ठप्पा लगता है नशेई होने का हिस्टोरिकली उसको इज्जत नहीं मिलती। लोग अमेरिका में भी अल्कोहलिक्स को घर में छुपाते हैं, लोग कनाडा में भी ऐसे, कहीं भी दुनिया के किसी जगह, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो नशे के मरीज़ को इज्जत देगा वो उसके साथ ताल्लुक़ बनाएगा, जो ताल्लुक़ बनाएगा वो बात मनवाएगा, और माँ बाप इससे मुस्तस्ना नहीं है, किसी गलत फहमी में ना रहे, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, माँ बाप इससे मुस्तस्ना नहीं है, माँ बाप को भी इज्जत करनी पड़ेगी सबसे पहले, बहन भाइयों को भी करनी पड़ेगी, इलाज करने वालों को तो करनी पड़ेगी, वरना उनका धंधा जो है ठप हो जाएगा। ये याद रखें कि ये आजी की जगह है, ये इंकसारी की जगह है, इस जगह तो आपको हाथ जोड़ के ही बात करनी पड़ेगी।